वो जब काम करते हुए स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 1.2 के अंदर जो चीजें थी हम तमाम वो कर चुके। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा तो आप मुझसे हैंड रेस करके बोल सकते हैं, सर कि आपने ये नहीं पढ़ाया, ठीक है। और अगर लगता है कर लिया सब कुछ हमने 1.2 के अंदर, तो थंब प्रेस की थी, फिर 1.3 पे हम बढ़ते। 1.2 में अगर लगता है किसी स्टूडेंट को, अगर हमने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, बता सकते। अच्छा भाई, दूसरी बात सुनिए, इंपॉर्टेंट बात। कसीम चलो दिमाग लो करवाए रही मैं, ठीक है। वो तुम्हें आता ही है क्या? मैं फ्री बता देता हूँ, आसान सही है, सबको आता है, यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं सबको आता है, ठीक है ना। अब गौर से बात सुनो, इंपॉर्टेंट बात ये है। पहले कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, कल आप लोगों की मैथ की क्लास नहीं होगी, अब वो होगी परसों। कल मुझे इसमें जाना है, जरूरी काम है, तो मैं कल मैथ की क्लास आप लोगों की मेरे बच्चों नहीं लूंगा, सही है, क्लियर है। कल आप लोग सिर्फ इंग्लिश की क्लास होगी, मैथ की नहीं लूंगा, ठीक है बेटे, नहीं कराया। हाँ जी, दिमाग लाओ। यूनिवर्सल में 1, 2, 3 सलोर पिंजे इश्पा अति वो ने लर, ठीक है भाई। ए 1, 3, 5, 8, 9 बी 2, 4, 6, 7, 10 सही भाई। अब देखिए जरा, शो दैट कसीम बेटे, इट्स फॉर यू बेटे, ये कहलाता है डी मॉर्गन लॉ। क्या कहलाता है डी, क्या मेरे बच्चे, डी मॉर्गन लॉ, सही है। बोल रहे हैं कि ये बात आपने प्रूफ करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपने क्या करनी है, आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, पहले साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी, होमने पहले निकाला ए यूनियन बी, बच्चों एक इतना 1 यूनियन दुआ सलोर इश्पा वह लस, सही है भाई। यूनियन में क्या करते हैं, शाबाश नहीं, क्या करते हैं ये बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यार, क्या ए यूनियन बी। अंदर के मामला हो गए सॉल्व, अब क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल क्या 1 से लेके 10 तक, ए यूनियन बी कितना भाई, 1 से लेके 10 तक,
सही भाई, डिफरेंस में क्या करते हैं, जो दोनों साइड में कॉमन होता है डिफरेंस, मतलब माइनस में जो दोनों साइड में कॉमन होता है वो कैंसिल हो जाता है, जो पहले बनता है वो। शाबाश, तो सब कॉमन है बेटे, सब काट दिए, काटस हो गई भाई, क्या हो गई काटस, क्या बचा नल सेट। क्या होगा बेटे नल सेट, ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड, नाउ वी आर गोइंग टू टेकिंग राइट हैंड साइड, देन सॉल्व, टेकिंग राइट हैंड साइड, हियर वी गो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारी है राइट हैंड साइड, पहले निकालेंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए, बेटे यूनिवर्सल कितना है मेरे बच्चों, वन टू थ्री सलोर पिंद्रेश पगते वो नेलस, माइनस ए कितना है बेटे वन थ्री फाइव एट नाइन, बेटे माइनस में क्या करते हैं मेरे बच्चों, जो कॉमन वो कैंसिल और जो पहले बचेगा वो क्या होगा बोलो आंसर, वन थ्री फाइव एट नाइन, पहले में क्या बचा टू सलोर इश्वा वो प्लस, सही भाई। अब बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस बी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और दस, माइनस बी कितना भाई टू फोर सिक्स सेवन टेन, टू फोर सिक्स सेवन टेन, बेटे माइनस में क्या करते हैं, जो कॉमन वो कैंसिल, टू फोर सिक्स सेवन टेन, बचा क्या वन थ्री फाइव एट नाइन, अब ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया बी कॉम्प्लीमेंट भी है, इंटरसेक्शन निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बेटे ए कॉम्प्लीमेंट क्या टू फोर सिक्स सेवन टेन, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है वन थ्री फाइव एट नाइन, बेटे इंटरसेक्शन में क्या करते हैं मेरे बच्चों, जो कॉमन वो आंसर, कॉमन कुछ आ रहे नहीं तो आंसर क्या हुआ नल साइड, दिमाग नाम में क्या लेफ्ट साइड राइट साइड पेपर प्रूव करनी थी, लेफ्ट साइड का आंसर ये आया राइट साइड का आंसर ये आया, बताइए क्या दोनों साइड सेम है, शाबाश, हेंस प्रूफ लिख लीजिए, हेंस प्रूफ, बच्चों कोई बात समझ नहीं आ रही तो बोलिए, अगर समझ में आ गई है थम प्रेस कर दीजिए, फौजिया बिलाल दुआ बेटे बात समझ नहीं आ रही है, समी बाउद्दीन महत बाहर, क्लियर है भाई, अनस क्लियर है, मेहंदी क्लियर है भाई, बेटे रयान मेरे बेटे कल मैथ की क्लास नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी, कोई क्लास नहीं, कल एंजॉय करो फटाफट को राइट डाउन करो, अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं हम, मैं सोच रहा हूं एक बात में बताऊं, कोई ऐसा स्टूडेंट को बात समझ नहीं आई वो हैंड इस पूछ सकता है,
सर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूछ लीजिए। मैं आप लोगों को अब दे रहा हूं 5 मिनट और ये है एक मुकाबला, गणित का मुकाबला है। किसका बेटे? गणित का मुकाबला। ये मुकाबला है लड़कन लड़कियन के दरमियान, ठीक है बेटे? गणित का मुकाबला है लड़कन और लड़कियन के दरमियान, ठीक है बाबू? हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप हमें आंसर बताएंगे, आंसर क्या आ रहा है, ठीक है? दुरुस्त है बाबू? अब हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है? नहीं बाबू, अब हम लिख रहे हैं क्वेश्चन और आप प्रूफ करके बताइए। अब देखते हैं लड़कन जीतते हैं लड़कियां जीतते हैं, ठीक है? रेडी है सारे? कॉपी पेन निकाल लीजिए, हम बोर्ड की तरफ जाए क्वेश्चन लिखेंगे अब, ठीक है भाई? देखो भाई, लड़का लड़के ने इज्जत रख लेना भाई दोनों। क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, तवज्जो दीजिए। ये क्वेश्चन भाई, मुझे आंसर चाहिए भाई, टाइम दे। देखिए बगैर फुल स्पीड में रेडी हो रहे, आर यू? अब क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, मुझे चाहिए आंसर। देख, मुझे आंसर कैसे बताएंगे? चैट में लिख के, हैंड रेज लगाने का टाइम नहीं होगा यहाँ पे। आपका जैसे ही आंसर आएगा आप चैट में बता देंगे सर ये आंसर आया। लिख के सर ये आ रहा है, ये आ रहा है। लेफ्ट साइड वो इक्वल होंगी ना बेटे? कोई भी एक साइड बता दी, अगर एक साइड आई दूसरी साइड भी यही आएगी, ये तो कंफर्म है। तो आपके बता देना सर ये आंसर आ रहा है। ऑपरेटर बैठा है बता देगा सर, सबसे पहले लड़कियों ने बताया लड़कों ने बताया, ठीक है? चले भाई रेडी, ये सारे समझ भाई। ये भी बेटे डी मॉर्गन लॉ ही है, सही है ना? पर थोड़ी नॉइज चेंज है, सवाल चेंज किया है। जल्दी से मुझे आंसर बताइए आप लोग, क्या सिर्फ 4 मिनट बाकी आपसे, 4 मिनट नहीं भाई, स्टार्ट है भाई, टाइम जाएगी बगैर। जल्दी से भाई, क्या बोल रहा है ये? क्या मतलब सही, कैसी बातें कर रहे हो तुम? माइक खोल दो उसका, सही तो रह गया पीछे, ये लड़कियों ने शुरू भी कर दिया, लड़कों ने शुरू भी कर दिया होगा। हाँ सही बोलो, बोलो सही, जगह कुछ बोलना है तो मैच पे और फुटबॉल में बोल दो। अंतम आरो इल्ले, जल्दी जल्दी कीजिए भाई, जल्दी जल्दी, मुझे नहीं पता भाई। बेटे नल सेट वाले ना ये पानी में डूब मरे सर, कुछ नजर नहीं सर, बोर्ड सही से नजर नहीं आ रहा है। यूनिवर्सल साइड आ रहा है, ये लड़कियों लड़कों ने एक साथ बता दिए, नहीं लड़कों ने पहले बताया, सॉरी महात ने पहले बताया, सबसे पहले महात ने बताया और इस बार लड़के ले गए बाजी। पर पता है होशियार यहाँ पे सारे क्या है, इन्होंने एक साइड निकाल दी दूसरी साइड बोल दिया यही आ रही होगी।
दूसरी साइड भी निकालो होशियार लड़कियों लड़को, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कौन निकालेगा नाना, राइट हैंड साइड भी निकालो। ये तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड निकालिए, राइट हैंड साइड भी निकालिए, यूनिवर्सल साइड आ रहा है, ठीक बोल रहे सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है, पर राइट हैंड साइड भी निकालिए। मुझे खुशी हुई कि आप सबको आ रहा है, ठीक है जी। चिलपट माइक ऑफ करो, मेरा चिलपट को कूटना थोड़ा सा मुझे। बच्चों जल्दी जल्दी करें भाई सारे, हाँ भाई हाँ भाई, क्या हो गया लाइवा, क्या हो गया मेरी बेटी, What's going on? जी बेटे बिल्कुल होगा सही, बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। Every lecture will be uploaded on Facebook with respected time. किसमें टैन है मेरी बेटी, हाँ तो बेटा वो तो निकालो, कॉम्प्लीमेंट तो निकालो, खुद का खुद टेन आ जाएगा, यूनिवर्सल से माइनस करोगे तो टेन बच जाएगा दोनों में, टेन लिख देना उसके अंदर आंसर में, और फिर जब इसको यूनियन निकालोगे तो आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में भी टेन बचेगा, बी कॉम्प्लीमेंट में भी टेन बचेगा, फिर जब उनका यूनियन निकालोगे तो आंसर बन जाएगा टेन तक का, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ठीक है बाबू समझ गए। अच्छा हम जा रहे हैं 1.3 की तरफ, कसीम बेटा और कोई हम जो नहीं करवाए बता दीजिए ताकि हम छींटे मारते हुए निकल जाएंगे। हाँ भाई कसीम कोई ऐसा क्वेश्चन हम नहीं करवाए बता दीजिए, ठीक है मुकसिम क्या बोल रहा है, ये कौन गया देखो जरा, चल अगले 1.3 पे जा रहे हैं, दो मिनट देखे हम दस तरह, बेटे जो रह गया है वो कंटिन्यू करते हैं, 1.3 की तरफ जाते हैं, 1.3 के अंदर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, क्या बेटे कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट या जब आपसे बोला ना जब बोले काशिफ प्रोडक्ट है बेटे, अब देखते जरा इसको, एक्सरसाइज 1.3 लाओ भाई ऑपरेटर भूख लो,
चले भाई 1.3 एक्सरसाइज 1.3 समझो भाई 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 यहां तो ऑपरेटर को नींद आ रही है भाई, बोर कर दिया मैं लग रहा आज मैंने। ए बी सी और बी है हमारे पास एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ए मल्टीप्लाई बाय बी, बेटे इसको हम कहते हैं कार्शन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी इज कौन किसका बेटे साहब आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड बराबर आ गई है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, लेफ्ट हैंड साइड 1 से 10 तक, राइट हैंड साइड 1 से लेकर 10 तक। अगर आपका नहीं समझ में आई बात तो आप स्क्रीनशॉट छोड़ दीजिएगा, जो क्वेश्चन पे लेके आप छोड़ दीजिएगा ग्रुप पे, मैं बता दूंगा। अच्छा भाई लड़कियों एक बार सुन लो गौर से बात, कल आप लोग मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं दोबारा, जो नए बच्चे आए सुन लें, कल हम मैं क्लास नहीं लूंगा मैथ की इस टाइम पर, परसों होगी, कल मैं नहीं लूंगा, कल मेरी मसरूफियत है। अब ये मत पूछे सर कहाँ जाना है आपने क्या करना है, बस है ठीक है। अब सुन लीजिए भाई ए क्रॉस बी, ए क्या है ए बी सी क्रॉस बी क्या है एक्स वाई, ए क्रॉस बी कैसे करते हैं बेटे देखते जरा, ए एक्स ए वाई, ए दोनों से हो गया बेटे। अब बी की बारी, बी एक्स बी वाई सही बेटे, सी एक्स सी वाई ठीक है बच्चों, इसमें कोई मसला कुछ बोलने है ऑपरेटर, बोले ऑपरेटर लीजिए बी क्रॉस से अच्छा सवाल है भाई, कौन है ये कौन पूछ रहा है ये बेटा, बच्चा बच्चा तो पूछेगा ही, नाम बता बच्चे का, मेहदी अच्छा जी सही बेटे, मेहदी जवाब देते रुक जाइएगा आपको बताते हैं। बी क्रॉस ए बी क्या हमारे पास एक्स वाई इंटू ए क्या भाई ए बी सी एक्स ए एक्स बी एक्स सी एक्स ए एक्स बी एक्स सी एक्स ए एक्स बी एक्स सी ठीक है बेटे, वाई ए वाई बी और वाई सी ये हो गए हमारे ए बी। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को बात समझ में आ रही होगी, ऐसा ही है बेटा ध्यान दे दो जरा, क्लियर है भाई। अब तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, टाइम जाया किए बगैर भाई अगेन देखते हैं भाई गणित की रेस में कौन जीतता है सही बेटे, इसकी रेस में गणित की रेस में भाई तवज्जो दीजिए, ए क्रॉस ए फौरन से आंसर बताइए भाई क्या आ रहा है, ए क्रॉस ए गणित की रेस में कौन जीतता है अब देखते हैं हम, कीजिए भाई कीजिए बातें ना कीजिए, यहाँ होशियार सारे बैठे हुए जरा आंसर बताना शुरू कर देते हैं, लिखिए पहले कॉपी में फिर बात करेंगे। चले जल्दी जल्दी भाई, डबल हो जाओ तुम, डबल हो जाओ फर्क, ये समी कौन है
समी का नाम तुम्हारे पास? अच्छा अच्छा समी समी वो है समी सलमान का भाई है बेटे। हाँ ये कौन है? दुआ, सही है, ठीक है। नहीं तो देखो भाई, एक बच्चे का आंसर आया क्या? बाउद्दीन का। बेटे बाउद्दीन आपने गुनाह कबीरा कर दिया है, उसने लिख दिया 2A फिर A भी, ठीक है भाई। तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, बात सुन ले भाई, ये आपस बीच में कॉमा, ये कॉमा बरकरार रहेगा, कॉमा हट के फासले खत्म नहीं होंगे इनके, ये दूरियां बरकरार रहेंगी इनकी, ठीक है बेटे। ए ए ए बी ए सी, फिर बी ए बी 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 सी, सी ए सी बी सी सी, ओ आई सी, ठीक है जी। अब आप अगला तो आप खुद निकाल लेंगे, मैं बताने की जरूरत ही नहीं है। तो हम चलते क्वेश्चन की तरफ। कार्शियन प्रोडक्ट ये मिटा रहा हूं, क्वेश्चन वन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। अब बेटे अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने का फायदा क्या है? 1.2 हमारी पूरी रिकॉल हो जाएगी। कल बेटे बात कर लो, 1.3 कल की तारीख में इंशाल्लाह 1.3 कंप्लीट करा दूंगा, मतलब परसों, सही है, परसों इंशाल्लाह 1.3 में कंप्लीट करा दूंगा। और फिर आप लोग फिजिकल जब आएंगे, इन पर्सन फिजिकल नहीं, इन पर्सन जब आएंगे तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, वजह 7 टाइम कितना रह गया? 7 बता रहे हैं कि 7 मिनट रह गया। चले भाई क्वेश्चन नंबर 3, इंतहाई खूबसूरत क्वेश्चन है, सुभान अल्लाह बोल दे भाई सारे, सुभान अल्लाह बोल दे। ए बी 2 3, सी कितना है? 3 4। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी, सही है। अब तवज्जो दो, सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड ब्रैकेट, फर्स्ट वी सॉल्व ब्रैकेट, मतलब घर के मामला। तो हमने यूनियन सी निकाला बी के साथ, बी 2 द्रे दिरे सलोर यूनियन। बेटे कितनी खूबसूरत बात की ऑपरेटर, तुमने दिल खुश कर दिया। तो यूनियन में क्या होता है? 2 3 सलोर, तरतीब से लिख देते हैं, ठीक है। ये आ गया बी यूनियन सी आ गया भाई। अब ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी, ए कितना है भाई? ए बी यूनियन 2 3 सरोर, ए 2 बी ए 3 ए सलोर, बी 2 बी 3 बी सलोर, बात समझ रहे हैं? अगर सारे समझ रहे हैं तो कंप्रेस कर दीजिए भाई। भाई अगर सबको बात समझ में आ रही है तो कंप्रेस करें, आगे बढ़ते हैं फिर, क्लियर है बच्चों? मैं बोर्ड की तरफ बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, मुझे फटाफट आंसर बताएं विदाउट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, फटाफट से बताइए भाई, टाइम जाए के बगैर, साथ कर ले बताना भाई, आंसर बताए भाई।
क्या क्या आंसर आ रहा है भाई बताइए। ए थ्री बी थ्री तसीम, खूबसूरत आंसर है बेटा आपका, अति उत्तम हो गया बेटे ये। ठीक है भाई, ए थ्री बी थ्री। अब बहुत से बात सुने भाई, टाइम कितना रहेगा, 3 मिनट, 2 मिनट रहेगा, सुनना बहुत से बात, 2 मिनट रहेगा, बड़ी कीमती बात करने वाला 2 मिनट में। सुनो भाई बहुत मेरी सुनो, पहले 2 मिनट रह गए, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट आप लोग कर लेंगे, ये जो क्वेश्चन 3 के तमाम पार्ट है ये आप लोग कर लेंगे तो थंब प्रेस कर दीजिए, और 4 के भी तमाम पार्ट। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट आप लोग कर लेंगे, क्या बोले बच्चे, 4 के तमाम पार्ट। देखो 4 के अंदर बेटे 3 का जो सेट है ये दिए हुए ना एबीसी, यही सेट इस्तेमाल होंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी, क्वेश्चन 4 के भी तमाम पार्ट हो जाएंगे। अगर कर लेंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह कल जो नेक्स्ट क्लास में उसमें इंपॉर्टेंट काम करा के चैप्टर 2 पे चले आऊंगा। 3 के तमाम पार्ट हो जाएंगे बच्चों, तो एक बार काइंडली कंप्रेस कर दे, सारे कंप्रेस करें, बताओ फोर नहीं कर पाएगा समी। समी यू कैन डू, आई नो वेरी वेल। चलो ठीक है समी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। 3 के तमाम पार्ट कर लेना बस आप लोग, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए बेटे पिया मानिल्ला, मेरा माइक मुझको।